हाय, मैं हूं शुभम और मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं खानाबदोश। तो भाई लोग, टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग करने के वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बना रहे हैं चिकन चारकोल। आज बाहर जाने का कोई खास प्लान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे। आज हम लोग चिकन चारकोल बनाएंगे भी, आपको बताएंगे भी कि बनाते कैसे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो चिकन चकाचक धो लो और छोटा मत कटवा के लाना। चिकन फुल बटरफ्लाई बनवा के लाना। तो चिकन पे हम लोगों को मैरिनेट करने के पहले इसे कट मारने होंगे कि मैरिनेशन अंदर तक चले जाए। कट मारने के बाद हम लोग मैरिनेशन का पहला कोट मारेंगे, उसके लिए हम लोग थोड़े से मसाले लगाएंगे। मैरिनेशन का पहला कोट ध्यान रखें अच्छे से कट्स के अंदर तक लगाए, क्योंकि यही मज़ा देगा बाद में। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्रीज़र में रख देंगे। तो जब तक चिकन फ्रीज़र में है, फटाफट हम लोग सेकेंड कट ऑफ मैरिनेशन बना लेते हैं। उसके लिए हम लोगों को चाहिए दही। मैं सजेस्ट करूँगा 200 ग्राम तो भी दही एटलीस्ट यूज़ कर लो। दही में हम लोग मिलाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़े मसाले, रेड चिली, फिर से टर्मरिक, हल्का सा सॉल्ट, ये हल्का सा गरम मसाला। तो हमारा मैरिनेशन तैयार हो चुका है। चिकन फ्रीज से निकाल लो और हम लोग इसे बड़े बर्तन में डाल लेंगे और ये मैरिनेशन इसे पूरी तरह लगा दो। मैरिनेशन चिकन के ऊपर अच्छे से लगाने के बाद कुछ घंटों के लिए चिकन को हम लोग फ्रिज में रख देंगे। तो चिकन जब तक फ्रिज में है तो पुदीने की चटनी बना रहे थे, क्योंकि पुदीने की चटनी के बिना मज़ा तो नहीं आएगा। तो चलो तो भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं नीचे बिल्डिंग के बारबेक्यू एरिया में। चलो शुरू करते हैं आगे की प्रोसेस। तो भाई लोग, आग भी लग चुकी है और चिकन मैरिनेट हो चुका है कुछ घंटों के लिए। चलो इसको आग पे रखते हैं। चारकोल अच्छी तरह जल चुका है, अब उस पर हम लोग चिकन ये मैश के अंदर रख देंगे। तो भाई ध्यान रखें कि चिकन को बीच बीच में अल्टी वल्टी करते रहे। और चिकन पे हम लोग यूज़ करेंगे ऑलिव ऑयल। सो हियर इज आवर फ्रेंड मैक्स फ्रॉम रोमानिया। So he's here and he joined us. So he has never tried Indian food. So he'll be trying the Indian style chicken barbecue. So he'll let us know how it is. Okay? Yeah, Max, please. Yes. Go ahead. Yeah. So where do I start? Start with a bite of leg. Okay. Ooh. So he likes it? Yes. Yeah. Obviously. Actually, it's very nice. Yeah. It's
So, very soft. Is it the first time you're trying Indian food? It is the first time. This thing, homemade, definitely first time. I've been into some you know, restaurants, but not not homemade. What's the chicken? Is very soft. Yeah, definitely very soft. I mean, I can feel a lot of different spices that I don't know. So I don't have with what to compare because we do pretty much similar chicken like grilled. Yeah, but it's marinated in like tomatoes. Yeah. You know, and a lot of spices in here. Yes. Yeah, but here you can feel it's very rich flavor. You know, the flavor is super rich. It's a bit of spicy inside. You can feel, and but it's very soft. It's soft, soft and tender. I'll even have one more bite. Actually, really like it. Mm. Yeah. You can try this with mint. This is mint. Mint. We call it Pudina Chutney. So how do I eat it? You take a bite of this, dip it, and just try. Okay. Very different. Yes. Completely different. Actually, very different. Okay. Yeah, this makes a change. Yeah, this makes a change. Yeah. It's mint with some chili in it and some. Actually, it became even more spicy. Okay, so this is it. So, dosto, ye tha hamara ye wala weekend. So, agle weekend ke liye jude rahiye aur bas chalo. And vote for chicken tikka masala. Yay! Thank you.